नमस्कार दोस्तों, ब्लैक टी यानी काली चाय, इसको बनाने का सही तरीका लोग नहीं जानते, पीते सभी हैं और इसके फायदे भी बहुत हैं। बिना दूध वाली चाय को एक काली चाय कहते हैं। दिमाग को तरोताजा करने और थकान को दूर करने के लिए अक्सर हम चाय पीते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। अगर जरूरत से ज़्यादा चाय पीना दोस्तों लेकिन पाचन तंत्र के लिए नुकसान कर सकता है। जो लोग चाय पीते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, वे दूध वाली चाय पीने की जगह अगर ग्रीन टी, लेमन टी या ब्लैक टी पिए तो ये शरीर को कई तरह से फायदा कर सकती है। काली चाय सुंदर हेयर बनाने और वेट लॉस करने में काफ़ी मदद करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक टी बनाने की विधि और इससे होने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हमें ब्लैक टी बनाने के लिए क्या सामान चाहिए। इसके लिए दोस्तों चाहिए आधा चम्मच चाय पत्ती और एक कप पानी। अब आपने चाय बनाने का बर्तन लेना पहले और उसमें एक कप पानी डाल देना है। अब इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालनी है। अब पानी को कुछ देर के लिए उबलने दें। जब अच्छी तरह उबल जाए तो इसे एक कप में छान लें। आपकी ब्लैक टी पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें ना तो दोस्तों दूध डालना है और ना ही चीनी डालनी है। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना क्योंकि चीनी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। हर रोज 2 से 3 कप चाय पीने से दिल की बीमारी और हार्ट अटैक जैसे रोग 60% तक कम हो जाते हैं। जो लोग काली चाय हर रोज पीते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर के रोगी को दिन में 2 कप ब्लैक टी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करने से लाभ मिलता है। पाचन शक्ति मजबूत करने, पेट के रोगों से बचने और रोजाना होने वाले इन्फेक्शन से दूर रहने में काली चाय पीना बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसे पीने से शरीर में जमा जो विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अगर ब्लड गाढ़ा हो गया हो तो ब्लड गाढ़ा होने से रोकने में ब्लैक टी बहुत फायदा करती है। इससे नसों में खून का थक्का नहीं बनता। अगर ब्लैक टी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें और उसको पिए तो इससे सिर दर्द में राहत मिलती है। शुगर से बचने में भी काली चाय पीने के बहुत फायदे चूका दोस्तों। इसका नियमित रूप से सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। काली चाय शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ने से रोकती है और कैंसर के खतरे को कम करने में फायदेमंद है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे हमें कई प्रकार के हानिकारक वायरस और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। काली चाय हर रोज पीने से मुंह और हड्डियों के रोग भी दूर हो जाते हैं। त्वचा को स्वस्थ रखने और हेयर के लिए ब्लैक टी के कई बेनिफिट्स हैं। प्रतिदिन काली चाय पीने से स्किन के ऊपर जो काले धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं और रिंकल्स भी नहीं होते। अगर आपको लूज मोशन लग गए हों तो काली चाय में आधा नींबू निचोड़कर पिए तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। पहले एक कप में ही के बाद ही आपको इससे फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी काली चाय बनाने की विधि और उसके फायदों के बारे में। तो दोस्तों इसका आप फायदा लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका फायदा उठा सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।